नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन जैन। तो इस वीडियो में आज बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए कैमरा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए अब देख लेते हैं। दोस्तों यहां पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन भारत के साथ उसकावे वाली हरकतें कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि उभरते हुए रक्षा खतरों में न केवल उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर बल्कि विस्तारित पड़ोस में भी रणनीतिक स्थान पर भारत की सुरक्षा कायम रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने उभरते हुए संबंधों को महत्व देता है और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। देश इन दोनों शक्तियों के साथ एक परिपक्व और मजबूत रक्षा एवं सुरक्षा तंत्र साझा करता है। रक्षा निर्यात की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने सैन्य संरचनाओं में प्रस्तावित सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सीडीएस और थिएटर कमान संयुक्त रूप से एकीकृत प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भारत सैन्य क्षेत्र में बड़े सुधार के तहत कई थिएटर कमान स्थापित करने पर काम कर रहा है, जिनमें सेना के तीनों अंगों की कुछ कमानों को एकीकृत किया जाएगा, जिससे कि देश के समक्ष उत्पन्न भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। प्रत्येक थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिटें शामिल होंगी और वे सभी किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक अभियान कमांडर के नेतृत्व की एक यूनिट के तहत काम करेंगी। उन्होंने बताया कि उभरते हुए सुरक्षा के खतरों को देखते हुए भारत की सुरक्षा न केवल आईबी, एलओसी और एलएसी पर बनाई जाएगी बल्कि विस्तारित पड़ोस में भी भारत सुरक्षा मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने विस्तारित पड़ोस में इंडोनेशिया, सिंगापुर और खाड़ी क्षेत्रों में कई देशों जैसे कि कई राष्ट्रों के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया है। यानी कि यहाँ पर सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कह दिया है कि भारत में कई थिएटर कमांड स्थापित की जाएंगी और न केवल एलएसी, एलओसी और आईबी, इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश है उनके लिए भी भारत सुरक्षा का माहौल कायम करेगा। तो ये दोस्तों एक तरह से सीधा सीधा भारत का चुनौती है चीन को। अगली खबर बीएसएफ को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बीएसएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी राकेश अस्थाना ने आतंकियों के घुसपैठ को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगाई जा रही अदृश्य दीवार यानी कि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट फेंसिंग से आतंकी घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। ये फेंसिंग इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के तहत लगाई जा रही है। ये अत्याधुनिक सर्विलांसिंग टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड और लेजर आधारित घुसपैठ अलार्म है, जिससे एक अदृश्य चार दीवारी बनेगी। आपको बता दें कि 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2026 किलोमीटर बॉर्डर पर यह अदृश्य दीवार यानी कि स्मार्ट फेंसिंग बनाई जा रही है। हाईटेक निगरानी प्रणाली से लैस ये स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग जमीन, पानी, हवा और भूमिगत स्तर पर एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार की तरह काम करेगी। आपको बता दें कि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग से हवाई निगरानी, सुरंगों से घुसपैठ का पता आसानी से लग जाएगा। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो सारंग गन सिस्टम को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से विकसित सारंग गन प्रणाली को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में सारंग गन के शामिल होने से दुश्मनों की ओर से अधिक प्रभावी और सटीक फायरिंग दक्षता के साथ उन्हें नष्ट करने की क्षमता है। सारंग 155 mm .45 कैलिबर की गन सिस्टम है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, जिसे कि सोल्टम 130 mm इंपोर्टेड रशियन गन सिस्टम को गन गैराज फैक्ट्री ने संशोधन के बाद विकसित किया था। गन गैराज फैक्ट्री और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में सारंग गन का स्वदेशी उत्पादन किया जा रहा है। सारंग गन सिस्टम ने अपने सभी टेक्निकल पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और ये पहली बार है जब किसी स्वदेशी बंदूक प्रणाली को एक ही समय में स्वदेशीकरण और प्रूफ परीक्षणों के कारण बल्क प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी दे दी गई थी। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के द्वारा मेक इन इंडिया पहल के बाद केवल भारतीय निर्मित तग नावों का उपयोग करने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया है। इससे भारतीय जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि शिपिंग मिनिस्ट्री भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य बना रही है और मेक इन इंडिया जहाजों को निर्माण के लिए कुछ प्रमुख देशों के साथ विचार विमर्श भी कर रही है। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए अब लद्दाख की कमर कस चुके हैं और इसकी बानगी देखने को मिली
काला टॉप पहाड़ी से सटे चुशुल गांव में। चीनी सेना को खदेड़कर काला टॉप पहाड़ी पर डटे रणबांकुरों को जरूरी सामान की जरूरत पड़ी तो सामान ढुलाई के लिए चुशुल गांव से पोर्टर मांगे गए थे। इस सूचना के मिलते ही गांव के 100 से ज्यादा युवा वॉलंटियर सप्लाई पहुंचाने के लिए जुट गए। काला टॉप पहाड़ी पर पहली बार सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस इलाके में किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होती है। अब इस मुश्किल ऊंचाई पर स्थानीय ग्रामीण अन्य रास्तों से सेना का भारी भरकम सामान पीठ पर लादकर बतौर वॉलंटियर पहुंच रहे हैं। 3 घंटे की चढ़ाई की चुनौती से कोई पीछे नहीं हट रहा है। सेना को मदद कर रहे ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। काला टॉप के अलावा गुरंग पहाड़ी पर भी आसपास के गांव से भी इसी तरह के लद्दाखी लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, लद्दाखियों का यह भी मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों इस तरीके का जज्बा देखकर एक अपने आप के अंदर हमें भी ये लगता है कि यार वाकई में कितना सपोर्ट करते हैं लोग सेना को, और ये करना भी चाहिए। और जो वहाँ सबसे पहले मौजूद है, जो लद्दाखी वहाँ पर मौजूद है, वो दिल खोल कर सामने आ रहे हैं भारतीय सेना की मदद के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही सराहनीय कदम है वहाँ के लोगों का, उन वॉलंटियर्स का। दोस्तों इन वॉलंटियर्स के लिए और इनके इस काम के लिए जो कि सेना के लिए कर रहे हैं, वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी LAC को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि LAC पर अगले 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय सेना की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर लद्दाख में मोर्चे पर पहुंच चुकी है। इस कोर का गठन चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें पहाड़ों में तुरंत तैनात करने के लिए जरूरी सभी साजो सामान है और इसको सबसे आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। इसमें अत्याधुनिक अल्ट्रा लाइट हफ्तीजर तोपें भी हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। इस इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप यानी कि IBG में बांटा गया है और हर ग्रुप में 6 तक की बटालियन हो सकती है, जिसमें तोपखाना, टैंक, मिसाइल यूनिट्स, सिग्नल और सारे कंपोनेंट्स होते हैं। 3 साल पहले इस कोर ने लद्दाख में बेहद खामोशी से एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया था और खुद को इस इलाके में लड़ने के लिए तैयार किया था। LAC पर तनाव अब दोस्तों काफी बढ़ चुका है और आपको बता दें कि सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवणे जी भी कह चुके हैं कि अब हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। इस दौरान चीन LAC पर स्थिति को बदलने के लिए कार्रवाई कर सकता है। इस महीने के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी और उस दौरान कोई ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना ने अब तक 3 अतिरिक्त डिविजन्स को वहां पर तैनात किया है, जिनमें 2 माउंटेन डिविजन्स हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश और एक हिमाचल प्रदेश से अपनी लोकेशन से आई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में माहिर लद्दाख स्काउट और विकास बटालियन भी मोर्चे पर तैनात है। पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स भी खास अभियानों के लिए तैनात है। 17 माउंटेन कोर, जिसे ब्रह्मास्त्र कोर का नाम दिया गया है, 2019 सितंबर में अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में एक बड़ा सैनिक अभ्यास किया था। इसे हिम विजय का नाम दिया गया था। इसमें सैनिकों को पहाड़ में कम से कम वक्त में तैनात होना, ऊंचाई के इलाकों में लड़ाई के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करना और दुश्मन पर कम वक्त में बड़ा हमला करने की क्षमता जांची गई थी। ब्रह्मास्त्र कोर के पास पहाड़ी की इलाकों में लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार अल्ट्रा लाइट हफ्तीजर तोप है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत कहीं भी ले जाया जा सकता है। IBG को तेजी से दुश्मनों के इलाके में घुसने के लिए खास रफ्तार दी गई है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल चुशुल के इलाके में बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है, इसीलिए ब्रह्मास्त्र कोर लद्दाख में लड़ाई का रुख पलटने में समर्थ है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत की जासूसी सैटेलाइट्स को लेकर आ रही है। दरअसल चीनी सैनिकों की हर हरकत और पाकिस्तान की हर कार्रवाई पर नजर रखने के लिए इसरो का एक गुप्त यानी कि एक जासूस उपग्रह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि LAC पर सेना को देश के सैटेलाइट से दुश्मन की हर गतिविधि के बारे में सटीक जानकारी मिल रही है। इसकी बदौलत भारतीय जाबाजों ने LAC पर चीन से 2 कदम आगे बढ़ते हुए ब्लैक टॉप और कुछ चोटियों पर कब्जा कर खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत कर लिया है। इसके साथ ही दिन रात उड़ान भर रहे वायुसेना के चीनूक हेलीकॉप्टर्स भी ऊंचाई से दुश्मन के इलाकों पर पैनी नजर रख रहे हैं। अंतरिक्ष में इस खुफिया सैटेलाइट का नाम है RESET-2BR। इसे इसरो ने कुछ महीने पहले लॉन्च किया था। हर मौसम में कारगर ये सैटेलाइट रडार इमेजिंग से मदद करता है और सटीक जानकारी देता है। ये सैटेलाइट दिन हो या रात, दोनों समय में सटीक जानकारी देता है। हर मौसम में भी ये सटीक जानकारी और तस्वीरें लेने का काम करता है। ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसीलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहा जाता है और ये RESET-2 का आधुनिक वर्जन है। आपको बता दें कि ये अंतरिक्ष में 576 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है और ये सीमाओं पर बराबर नजर बनाए हुए है। यही नहीं, LAC के पास डैम चौक के क्षेत्र में 60 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन भी स्थापित किया है। इस पर भारतीय सैटेलाइट की पूरी नजर है। भारतीय सैटेलाइट की नजर से बचने के लिए चीन ने इस सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन को बौद्ध धर्मस्थल के कालचक्र का रूप दिया है, लेकिन हमारे सैटेलाइट चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली नापाक गतिविधियों पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना थर्मल इमेजरों,
हैंडहेल्ड इमेजरों से भी दुश्मन पर कड़ी नजर रख रही है। सेना के सर्विलांस सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की गई थी। आज सेना और वायुसेना के पास विश्व के बेहतरीन निगरानी तंत्र है। इनमें आधुनिक मानव रहित टोही विमान शामिल है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो INS अरिहंत को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना की क्षमताओं और शस्त्रागार में INS अरिहंत के बाद अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के लिए प्रमुख INS अरिहंत को 2020 के अंत तक सेवा में तैनात किए जाने की तैयारी हो रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि ATV प्रोजेक्ट के तहत विकसित INS अरिहंत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित जहाज निर्माण केंद्र में बनाया गया है। ये 3 साल के समुद्री परीक्षणों को पूरा करने के लिए निर्धारित है और इसके बाद भारतीय नौसेना के साथ सेवा में प्रवेश करेगा। पनडुब्बी INS अरिहंत की तुलना में अधिक मिसाइलों को ले जाने में ये सक्षम है और ये पानी की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील की अधिकतम गति पर क्रूज करने की क्षमता के साथ आती है और समर्ज यानी कि जलमग्न होते हुए 24 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकती है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी में 8 लॉन्च ट्यूब होंगे और 12 के 15 सागरिका मिसाइलों से ये लैस होंगे जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये 4K4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है जिनकी सीमा 3500 किलोमीटर है। दिसंबर 2014 में ये बताया गया था कि INS अरिहंत पर काम शुरू हो गया था और इसे 2016 में लॉन्च किए जाने की संभावना थी और 2017 में ये समुद्री परीक्षणों से गुजर रही थी। मूल रूप से इसका नाम INS अर्धिमन रखा गया था लेकिन बाद में लॉन्च इवेंट के दौरान इसका नाम INS अरिहंत रख दिया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो संबंधित कोई सवाल या आपका प्रश्न या आपका कोई भी जवाब है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।